हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है इट विल बी अबाउट एचटेट एग्जाम, कि कैसे मैंने एचटेट का एग्जाम दिया, क्या क्या प्रोसेस थी जिसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और कैसे सर्टिफिकेट मेरे घर तक आया। तो एचटेट का एग्जाम हुआ था मेरा 3 दिसंबर 2023 यानी कि पिछले साल, और 10 दिन के अंदर ही एक लिस्ट आ गई थी, उन बच्चों का नाम आ गया था जिन्होंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया था। उन बच्चों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया इससे पहले कि रिजल्ट बताया जाए कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 2 डेट्स मिलती हैं और सेंटर्स मिलते हैं कुछ, जो आपके घर के पास सेंटर है आप उसमें जाके वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए, जैसे कि मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको 2 डेट्स मिलती हैं। आप 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 5-10 मिनट से ज़्यादा उसमें नहीं लगता है, और आपको अपना फोटो आईडी कार्ड लेके जाना होता है और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। अगर आपका नाम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लिस्ट में आया है तो इसका मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन आपने कितना स्कोर किया है ये आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे ही कम्प्लीट हो जाता है उसके 1 या 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। मेरा जब रिजल्ट अपडेट हुआ था तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था, उसमें RLV लिखा हुआ आ रहा था, तो मैंने 1 दिन इंतज़ार करके नेक्स्ट डे जब रिजल्ट चेक किया तो मेरे मार्क्स उसमें क्लियरली शो होने लग गए थे। तो ये सब प्रोसेस विद इन 20 डेज हो गया था। मेरा एग्जाम 3rd December को हुआ, 17 में बायोमेट्रिक कराया, 19 को मेरा रिजल्ट आ गया, और उसके बाद आज 20 मार्च को मेरा सर्टिफिकेट घर आ गया है बाय पोस्ट। तो एज यू कैन सी ये सर्टिफिकेट आया है घर और आज हम इसे खोल के देखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। और 2 महीने हो गए हैं एग्जाम के रिजल्ट आए हुए और आज इसका सर्टिफिकेट भी आ गया। तो दिस इज़ फॉर Level 2। मैंने Level 2 यानी TGT के लिए दिया था। इसमें मेरे मार्क्स मेंशन हैं और मेरी डिटेल्स मेंशन हैं, और किस सब्जेक्ट से मैंने दिया था वो मेंशन है, एंड द रिजल्ट इज क्वालिफाइड। दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड अप टू December 31, 2030। ये भी देखने वाली बात है इसमें कि इसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट कब तक वैलिड है। तो अभी चल रहा है 2024, यानी कि सिर्फ 6 साल तक ये वैलिड है सर्टिफिकेट। और इसमें मेंशन है कि कब रिजल्ट की डेट आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं December 18, 2023। तो फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया है और आई हैव स्कोर 98 मार्क्स। 90 मार्क्स क्वालिफाइंग चाहिए होते हैं हमें और मैंने 98 मार्क्स लिए हैं। ज़्यादा नहीं है आई नो, बट इट्स फाइन। लास्ट टाइम हरियाणा में टीचर की वैकेंसी आई थी तो मैं भर नहीं पाई थी बिकॉज मेरे पास एचटेट नहीं था उस टाइम पर। तो फिर लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई उसके बाद मैंने एचटेट का फॉर्म फिल किया और थैंकफुली हो गया वो क्लियर। बिकॉज मुझे जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं टच में हूँ साइंस के, मैथ्स के, तो जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, उससे जितना मैं कर पाई थी मैंने वो एग्ज़ाम पढ़ के कर लिया था। और आई एम थैंकफुल कि हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। और इसमें डेट मेंशन है क्लियरली कि कब एग्ज़ाम दिया था, December 3, 2023, और रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ ये भी क्लियरली मेंशन है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें लिखा है दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड अप टू December 31, 2030। बट लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं होता कि सीटेट जो है वो लाइफ टाइम तक वैलिड होता है, मुझे ये नहीं पता था, ये अभी इसमें पढ़ के पता चला। तो या बट दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन और हम मूवमेंट करेंगे। और आई एम वेरी हैप्पी, मतलब चाहे छोटी अचीवमेंट हो या बड़ी अचीवमेंट हो, लेकिन इट इज़ एन अचीवमेंट, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट एचटेट एग्जाम और एनी क्वेरी यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड टिल देन, बाय, टाटा, सी यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।